শুরু করে দিলাম। কিছু টাইম আগে হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। मेरी मम्मी आज ब्रेकफास्ट बना रही है, बहुत स्पेशल वाला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और अभी तक हम किचन में जस्ट घुसे ही हैं। बेटी के लिए अभी हम बना रहे हैं सैंडविच, उसको आज सैंडविच खाना है। तो ज़्यादा कुछ उसके लिए डालेंगे नहीं, सिर्फ ब्रेड को टोस्ट कर लेंगे और अंडा कर देंगे। अंडा उसमें डाल देंगे, थोड़ा सा घी डाल देंगे, ये हो जाएगा उसका ब्रेड सैंडविच। अगर टमाटर खाना है, तुम टमाटर खाओगी? हाँ, टमाटर बहुत अच्छा लगता है। टमाटर डालना है इसमें? हाँ, टमाटर बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो फिर टमाटर डाल देंगे इसमें। अब हो गया अभी टेस्ट टोस्ट। अंडा भी बनना, अंडा नहीं, सॉरी, अंडा नहीं डालना है। एक हाँ, डालना नहीं, एक पोच डाल देंगे। एक पोच अच्छा लगता है बहुत। देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। अरे मुझको भी अभी के अभी मैं इस ब्रेड को उठा के खा लूंगी। वाह, देखो कैसे भूरा रंग का हो गया है। अगर भूरा रंग का हो जाए तो अच्छा लगता अच्छे है। अच्छे से सेक लिए हैं, अब हो गया इसका। थोड़ा सा इसमें घी डाल देंगे। ये देखिए घी है यहाँ पर। तो हम घी डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हम बटर तो बटर है लेकिन बटर लगाना है। हाँ, बटर तो घी निकाल लिए हैं, घी लगा लेते हैं, बटर से कभी कर देंगे तुमको, ठीक है? हाँ, तो अब देखिए टमाटर ले लेंगे। यहाँ पर नीचे है टमाटर, देख सकते हैं ये बहुत सारे है। ये बहुत सारे, ये अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा भी है, यही ले लेंगे। मम्मी ले लीजिए टमाटर, लादी। अरे उसके ऊपर मत रखो, नीचे रखो, गंदा हो जाएगा। टमाटर लादी बहुत गर्म है, अभी ठंडा है। उल्टा बोल रही है। हाँ उल्टा। अब देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ये। वाओ, कितना अच्छा पोच है। जरा देखिए ना कैसा फुट फुट कर रहा है। फुट फुट मतलब की फुट फुट मतलब क्या है? हाँ, फुट फुट क्या होता है? इसमें थोड़ा सा डाल देंगे लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब देखो लाल हो गया। इसको देखने में अच्छा लगता है, तो इसका तो होना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि खून निकल रहा है। कुछ भी नहीं, इसको ना असल में ये क्या कहते हैं, गोल मिर्च मतलब काली मिर्च देना चाहिए था। तो है नहीं कुटा हुआ, हमने डाल दिए है, ढक दिए है, ढक दिए है। तो अब हम डाल देते हैं, अब इसको हम काट लेंगे क्या, है ना? हाँ, इसको काट लेंगे, प्रिपेयर कर लेते हैं। तो टमाटर काट लेते हैं, दो स्लाइस डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। तो हो चुका है, बन चुका है, इसको हम डाल देंगे, इसको डाल देंगे हम इसके ऊपर। तेरे कुछ छोड़ के गया है क्या? तो चीज इसको फ्लिप नहीं करना था। इसको फ्लिप करना था? नहीं, फ्लिप करना नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे ये वाला तुम्हारा कटा हुआ टमाटर। टमाटर ठंडा और गरम, तो ये बैलेंस हो जाएगा, इसको गरम कर देगा। मुझ तो रिएक्शन तो नहीं होगा ना, एक बार हुआ था। नहीं नहीं, इसमें रिएक्शन इतना अच्छा लग रहा है। चीज होता तो और अच्छा होता है। चीज चीज तो है ही नहीं घर में, चीज नहीं है। तो ये देखिए अब इसको डाल देते हैं, ठीक है? हाँ, ये तुम्हारा हो गया है सैंडविच। यस, चलो चलो शुरू करो। अच्छा लग रहा है ना? देखो 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 क्या ये सैंडविच है। हाँ
देखो देखो क्या ये टमाटर है। नहीं, हाँ तो टमाटर तो है उसमें। खाओ 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 जल्दी लाइए, बड़ा सा एक बाइट ले लो। वाओ देखो वो एग मेल्ट होके गिरा है। अरे तुम ले लो तो सही पहले। अब टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा बोल ही नहीं सकती है। ये देखिए एग मेल्ट होके गिरा है यहाँ पे। चलो खाओ जल्दी खाओ जल्दी खाओ। गिर रहा है, ड्रिप कर रहा है। तो खा लो इसको। हाँ चलो खत्म कर दो इसको। ठीक है, 5 हम करेंगे पालक की सब्जी। सरसों तेल गरम हो गया है, कलौंजी डाल दी इसमें। अब डालेंगे इसमें कटा हुआ लहसुन की कलियां, ये हमने छोटा छोटा करके काट लिया था। डालेंगे कटा हुआ टमाटर, छोटा सा एक पीस हम टमाटर ले लिए हैं। डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब डाल देंगे इसमें कटा हुआ बैंगन और आलू, ऐसे हमने जो काट के रखा है इसमें आलू और बैंगन कटा हुआ है। अब ले लेंगे इसमें नमक, हल्दी स्वाद अनुसार, अच्छे से चला लेंगे इसको। कवर कर देंगे। तो दोस्तों हम बीच बीच में चलाते रहे और इसको भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हम पालक का पत्ता जो हम काट के धोकर रखे हुए हैं, ऐसे अब डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने पालक का पत्ता बाद में डाले हैं पालक साग, तो उसके लिए नमक हमको चाहिए अलग से। तो ये हम अभी ढक के रख देंगे, पालक गल जाएगी, उसके बाद हम इसको सारा मिला देंगे। दोस्तों देखिए पानी छोड़ दिया है इसमें से, अब हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। डाल देंगे हरा मिर्च, अब इसको अच्छे से 2-3 मिनट पकाएंगे और फिर उतार लेंगे। तो ये बन गई मेरी सब्जी दोस्तों, अब हम इसको उतार लेंगे। थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ता छिड़का देंगे, वैसे तो साग है इसमें तो धनिया पत्ता हम बहुत कम ही डालते हैं, लेकिन खुशबू के लिए, खुशबू अच्छा लगता है, खुशबू अच्छी आती है इस धनिया पत्ता की, तो हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। और अब डालेंगे गरम मसाला, गरम मसाला भी बहुत थोड़ा सा डालेंगे, बस इतना ही, 1 चुटकी भर। डाल देते हैं धनिया पत्ता, हाथ से ऐसे तोड़ तोड़ के डाले हैं, क्योंकि साग है इसको साग जैसा ही दिखेगा। बस हो चुका, अब हम इसको उतार लेंगे। दोस्तों मेरी रेसिपी कैसी लगी अवश्य बताइएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।